हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू की झप्पी। आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसा चीज देखने वाले हैं जो काफी लोगों ने देखा तो होगा बट एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता होगा। तो हम आज देखने वाले हैं लाइट हाउस। जी हाँ, इट्स कापू लाइट हाउस। आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद लाइट हाउस देखा होगा और ये सोच रहे होंगे कि ये लाइट हाउस क्या है, ये क्यों और कब बना होगा, इसका इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है। आज मैं मेरे ब्लॉग के साथ साथ इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। अब हम पहुँचे हैं कापू बीच। यहाँ पे हम कापू बीच देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कापू में लाइट हाउस है, कापू लाइट हाउस, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो फिलहाल। सो लेट्स एक्सप्लोर कापू बीच एंड कापू लाइट हाउस। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आज हम कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं लाइट हाउस के बारे में। लाइट हाउस को हिंदी में द्वीप स्तंभ, द्वीप घर या प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसे समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर या नदियों के झीलों के किनारे, ऐसे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाया जाता है। और पुराने ज़माने में नेविगेशन के लिए कोई इंटरनेट सर्विस या GPS जैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो रातों को जहाजें भटक जाया करती थी या फिर किसी चट्टान से टकरा के डूब जाया करती थी, इसीलिए लाइट हाउस का निर्माण हुआ। इसमें रात के समय लाइट जलता है। पुराने ज़माने में इसे लकड़ियों या कोयले जैसे ईंधन से आग लगा के लाइट लगाया करते थे। फिर टाइम के साथ साथ वो चेंज हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसे लाइट लगाने लगे। लाइट हाउस का बेसिक मोटो ये हुआ करता था कि जहाज़ों के कैप्टन को खतरनाक चट्टानों से आगाह कराना या किसी पोर्ट की एंट्री हो या कोई आइलैंड हो तो उसकी जानकारी उन्हें दे सके। यानी ऐसा कोई भी जगह हो तो रात को अंधेरों में कैप्टन को सूचित किया जा सके। ये तो हमने देखा लाइट हाउस क्या है और क्यों बनाया जाता है। अब चलते हैं हम लाइट हाउस की इतिहास की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस आज से लगभग 2300 साल पहले बना था और ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया का पोरस नामक लाइट हाउस था। टॉलमी वन और उनके बेटे टॉलमी टू ने इसका निर्माण 280 और 300 ईस्वी पूर्व के बीच बनाया था। यह लगभग 450 फीट ऊंचा था। यह लाइट हाउस प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था। यह भूकंप द्वारा 1300 के दशक में नष्ट हो गया। अब जो आप फोटो देख रहे हो ये उसका रेप्लिका है, कुछ इस प्रकार से दिखा करता था दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस। अब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे पहले लाइट हाउस के बारे में। महाबलीपुरम लाइट हाउस भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस है। यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। इस लाइट हाउस की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी। अभी जहां लाइट हाउस है उसी के बगल में ओलकानेश्वर मंदिर है। पहली रोशनी ओलकानेश्वर मंदिर के छत पर लगाई थी, वो भी 1887 में। उस समय के राजा पल्लवा महेंद्रवर्मन एक की यह कल्पना थी कि एक बड़ी सी लाइट हाउस का निर्माण करना चाहिए, बट तब तक मंदिर के छत पे ही आग लगाकर लाइट हाउस का काम चल रहा था। 1904 में जब लाइट हाउस पूरा तैयार होकर बन गया, उसके बाद नए वाले लाइट हाउस में लाइट लगाना शुरू कर दिया और तब से लेके 2001 तक यह लाइट हाउस काम कर रहा था। पर 2001 से लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल यल्लम के द्वारा खतरे को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। पर 2011 से यह पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया और तब से लेके आज तक
ये टूरिस्ट प्लेस बन गया। ये थी भारत की सबसे पुरानी लाइट हाउस। अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे, जहां हम देख रहे हैं कापू लाइट हाउस। गाइस, ये है कापू लाइट हाउस। हम कापू लाइट हाउस पे जा रहे हैं। बहुत धूप है। कापू लाइट हाउस अगर आप आ रहे हो तो उडुपी में, तो ये भी एक देखने के लिए बहुत अच्छा जगह है। प्रेफर करो कि शाम को 4 बजे के बाद आए, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपन होता ही है। अभी तो हम सिर्फ जाके वापस आने वाले हैं, अंदर शायद जाने नहीं मिलेगा क्योंकि इसका टाइमिंग है 4 to 6। हमको और भी जगह एक्सप्लोर करना है तो आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हम यहाँ। लाइट हाउस देखने जैसा, आप ऊपर जा सकते हो, वहाँ से आपको पूरा सी व्यू मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। और उडुपी भी आपको थोड़े हाइट से देखने मिलेगा। लाइट हाउस ये बांधा गया था 1901, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बांधा गया था, जिस समय में GPS और सैटेलाइट वाली फैसिलिटी नहीं थी, तब ये लाइट हाउस से डायरेक्शन दिया जाता था बड़े बड़े शिप्स को। और अभी तो ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है। तो अब हम लाइट हाउस के बिल्कुल नीचे, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, अब व्यू देख सकते हो यहाँ से। बहुत ही सुंदर, जस्ट इमेजिन अगर इसके बेस से अगर इतना अच्छा आपको व्यू मिलता है तो ऊपर से कैसा व्यू मिलता है। अब हम अगले डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं। 5-10 मिनट ब्रेक, थोड़ा हवा खाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। बाय बाय।